हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इलेक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पर उससे पहले आई होप आप सभी ठीक होंगे और कोविड की सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। प्लीज़ कीजिए, वरना आपको पता है अगर ये कोविड जो है बिगड़ जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो प्लीज़ अपने आप को जितना हो सके इतना बचाए रखें। और अब बात करते हैं अपनी वीडियो की। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आज की, स्पेशली फॉर बॉयज़। बॉयज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के एक बॉय हैं तो आपके लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो है अरुणाचल प्रदेश की गर्ल्स के बारे में कि उनको कैसे लड़के पसंद आते हैं। और ये जो वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाएगी, लेंजिन वीकली यूट्यूब चैनल है और ये बहुत अच्छे एक यूट्यूबर है, और मतलब और यूट्यूबर तो है ही साथ में ब्लॉगर है, सेम ही तो बात हुई। और मतलब ये हिंदी में जो है व्लॉग करते हैं और मैंने इनकी कुछ वीडियोस तो जो है देखी हैं। और इससे पहले मैंने इन्हीं की एक वीडियो पे वो रिएक्शन दिया है जो अभी जो हुआ था ना, पारस सिंह वाला जो केस हुआ था, तो वो मैंने जो रिएक्शन दिया था पारस सिंह वाली वीडियो पे वो इनकी ही वीडियो थी। तो बहुत अच्छा कंटेंट होता है इनका और ये हिंदी में ही जो है वो सारी वीडियोस को जो है बनाते हैं। तो आई होप ये वीडियो भी जो होगी इनकी हिंदी में होगी। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है अरुणाचली गर्ल्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बॉयज दे लाइक। सो थाम के बैठ जाओ और नोट कर लो, कॉपी कॉपी लेके बैठ जाओ, है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं कि अरुणाचल प्रदेश के गर्ल्स को क्या क्या पसंद होते हैं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक टाइम से पहुंचाते रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ जानने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश गर्ल्स को क्या क्या पसंद होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, 1 2 3। अगर चेस में बहुत सारा बाल है तो वो सेविंग कर सकता है और सेविंग करने के बाद वो चल जाएगा। अगर लड़की लोग इतना मेहनत करता है खुद का हाथ और पाँव लोग को सेव करके, तो लड़का लोग भी थोड़ा मेहनत तो कर ही सकता है ना लड़की लोग के लिए। बात तो सही है पर बॉयज से इतनी मेहनत होती नहीं है। आपको किस टाइप के लड़के पसंद है, फर्स्ट कैरेक्टर वाइज एंड फिजिक वाइज? केयरिंग होना है, रिस्पेक्ट करना है, सबसे पहले अपना फैमिली को, मेरा फीलिंग्स को समझना है। इंटेलिजेंट ना वो होना चाहिए, क्योंकि हैंडसम हो के अंदर से खोखला उनसे तो नहीं होगा ना, इसलिए वही है। हाँ, स्मार्ट होना। फर्स्ट डिशन क्या उच्च विचार है? केयरिंग, स्मार्ट। आई हैव दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गाय हु आर ट्रू टू देमसेल्फ। हमको तो जिस पढ़ाई सकने वाला और मेहनत करने वाला हमको बहुत पसंद है, ना कि रास्ता में जिस बाइक चला के हीरो मार के घूमते हैं ना। सबके बड़े ही उच्च विचार हैं। लड़का जो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो लड़का अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते वो किसी का भी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एंड लॉयल होना चाहिए लड़का, जो लड़का अपना पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है। सबके थॉट्स कैसे मिलते हैं? तो हमको उस टाइप का पसंद है जो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है। फिजिक वाइज मेरे लिए मेरे से ऊंचा होना चाहिए लड़का, क्योंकि मुझे हील्स पहनना बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहती कि अगर मैं हील्स पहन के घूमूं तो वो लड़का मेरा से नाता होगी घूम रहा। मान लीजिए कि उस लड़के का हाइट है, हिंदी बहुत और स्मार्ट भी है, जैसा आपने कहा पहले स्मार्ट भी और पढ़ाई में भी अच्छा है, फ्यूचर के लिए भी डेडिकेटेड है, लेकिन उसके चेस्ट में बहुत सारा बाल है, तो आप उसको लोगे कि नहीं? अगर चेस्ट में बहुत सारा बाल है तो उसको वो सेविंग कर सकता है और सेविंग करने के बाद वो चल जाएगा। अगर लड़की लोग इतना मेहनत करता है खुद का हाथ और पाँव लोग को सेव करके, तो लड़का लोग भी थोड़ा मेहनत तो कर ही सकता है ना लड़की लोग के लिए। लुक्स मैटर नहीं करते, सिर्फ दिल का अच्छा होना है। हमको क्यूट वाला लड़का पसंद है, जो मतलब बॉडी बिल्डर टाइप का। बॉडी बिल्डर नहीं, पतला तो पसंद नहीं। हाइट में थोड़ा लंबा होना है, क्योंकि हम नाटा है तो थोड़ा लंबा हो रहे हैं हमसे। तो आप नहीं चाहते, तो आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में आपका बच्चा लोग नाटा हो करके ना? हाँ हाँ। I like tall guys and muscular होना है। मेरे तरह पतला नहीं होना है। नहीं, पतला guys पसंद नहीं है। समझ सकता हूँ। Physics doesn't matter to me। मतलब
लड़का अच्छा होना बस ना, वेरी गुड आंसर। थोड़ा लंबा होना चाहिए, थोड़ा डार्क, ज्यादा सफेद वाला पसंद नहीं है, और टॉल होना है। आपको किस टाइप के लड़के पसंद नहीं है? जरा ओवर स्मार्ट टाइप बिल्कुल पसंद नहीं, ज्यादा बात करने लगा और पसंद नहीं। ये प्लेबॉय ये सब थोड़ा भी पसंद नहीं है, जो मतलब वो स्टोकर होता है ना, मतलब अननोन होके ना सो लड़की लोग देखते हैं घूर घूर के ना, बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता, जो छेड़ते हैं, हाँ छेड़ते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। जो लड़का लोग एल्कोहलिक होते हैं, जो ड्रग्स ये सब स्मोकिंग ये सब यूज़ करते हैं, वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और लड़का जो ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जो बहुत टेम्पर में होते हैं, हमको रूट वाला लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ दोस्त 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 करना, पढ़ाई नहीं करके घूमना, प्लानिंग करके नदी उदी में जाना, ये सब पसंद नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होना है ना। आई यूजुअली डोंट लाइक गाइस हु प्रिटेंड। आई डोंट लाइक गाइस हु आर इररिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फिश। हमारा टाइप का लड़का पसंद नहीं है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, जो अपना बीवी और गर्लफ्रेंड को हाथ उठाते हैं, उसको हम पसंद नहीं है। तो आपको मैं कुछ लड़कों का फोटोज दिखाऊंगा, आपको बताना है कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा हैंडसम कौन लगा। नंबर पाँच नंबर सिक्स नंबर सिक्स फर्स्ट वन नंबर थ्री वन नंबर फाइव नंबर फाइव क्यों अट्रैक्टिव है और मेरा टाइप का है, शरीफ लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, तो इसलिए पसंद है। Okay. देखने से लगता है कि बहुत साफ होगा, मतलब हमको साफ वाला आदमी पसंद होते हैं ना, चीज़ जो तो हमको ऐसे लगता है, इसलिए पसंद है वो। आपको जिसके चेस्ट में बाल वगैरह होते हैं, आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ही इज माई कैमरा मैन मिस्टर तांगर सरो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके, सो मुझे जो बातें मालूम पड़ी, पहला ये हम लोग अरुणाचल प्रदेश की जो गर्ल्स हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल लड़के पसंद है, जो फ्यूचर मतलब ओरिएंटेड हो और जेंटलमैन टाइप के बंदे हो, और ऐसे जो होते हैं ना ऐसे छप्पी टाइप के बॉयस, और वो जो ऐसे बस हाँ वहाँ फालतू घूमते रहते हैं, अपने मतलब अपना टाइम और अपने डैडी के जो पैसे पूसों पर ऐश करते हैं, और दोनों ही वेस्ट करते हैं टाइम और अपने डैडी जी के जो होते हैं पैसे, यानी उन्हें सिर्फ इस तरह के शो ऑफ करने वाले बंदे पसंद नहीं है, उन्हें रेस्पॉन्सिबल टाइप के और जेंटलमैन टाइप के बंदे जो है पसंद है। और लुक वाइज जहाँ से लास्ट में जो वोटिंग हुई उससे तो यही मालूम पड़ा कि उन्हें थोड़े जो कोरियन टाइप के होते हैं ना, होते हैं बॉयज़ एकदम बिल्कुल क्लीन शेव, और थोड़े ऐसे जो जिनका वो चॉकलेटी टाइप का फेस होता है क्यूट सा, उस तरफ है कि तो हमारा कोई चांस नहीं भाई। क्योंकि मुझे डायरी रखना जो है पसंद है, बिना डायरी के तो बहुत अजीब लगते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता हूँ। और नॉर्थ में या साउथ में जाओगे तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं डायरी मूछ रखना, तो हमारा चांस थोड़ा कम है। बाकी एक एक लड़की है जिसने वो जो वीर सिंह का जो है ना लुक खिलजी वाला, बड़ी डाड़ी वाला, वो चूज़ किया था, तो मतलब 10 में से एक दो लड़कियां हैं अरुणाचल प्रदेश में जिनको ऐसे डाड़ी डूड़ी जो है आती है पसंद, और जात और बाकी जो आठ हैं 10 में से उनको एकदम जो भी क्लीन शेव होते हैं बॉयस, और थोड़ा जो कोडिन स्टार्स होते हैं ना वैसे वाला लोग पसंद है। और छाती पे अगर बाल हो तो कटवाने पड़ेंगे, भाई इतनी मेहनत मुझसे तो नहीं होगी, आप बताओ आपसे होगी? क्योंकि भाई हाथ फूत पे तो बाल है मेरे, और मुझसे नहीं होगा भाई वो सब, सही ये सब नेचुरल है यार, और मुझे ऐसे ही पसंद है। तो ओवरऑल मेरे जैसे बॉयज का चांस वहाँ पर बहुत कम है, थोड़ा बहुत है पर बहुत कम, मेजोरिटी में अरुणाचल प्रदेश के गर्ल्स को हम नॉर्थ में जो होते हैं ना डाड़ी मूछ वाले बंदे वैसे पसंद नहीं, इस वीडियो के हिसाब से तो ऐसे लगता है। बाकी अगर कोई नॉर्थ
अरुणाचल प्रदेश की जो कोई लड़की अगर देख रही है ये वीडियो तो बताओ आपकी क्या पसंद है। बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी वीडियो और अरुणाचल प्रदेश के जो बॉयज़ हैं आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव थी। देख लो भाई आपके स्टेट के जो गर्ल्स हैं उनको ये है क्वालिटी पसंद है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, गोल ओरिएंटेड हो और एक जेंटलमैन टाइप का बंदा हो जो लेडीज़ पे हाथ ना उठाए, मतलब ओवरऑल जेंटलमैन हो, बदतमीज ना हो, तो इस तरह के बॉयज जो है पसंद है। और अगर आपकी मस्कुलर बॉडी है, फिलहाल हमारी तो है नहीं, तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पसंद आया वैसे मुझे अरुणाचल प्रदेश की जो गर्ल्स की जो वो थिंकिंग है ना वो काफ़ी पसंद आई, और ऑलमोस्ट हर गर्ल की जो है सेम थिंकिंग थी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हो। और एक लड़की ने बहुत सही बात की, जो लड़का अपने पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट नहीं करता वो आपकी भी नहीं करेगा। ऑब्वियस बात है पेरेंट्स सबसे वो मतलब ऊपर होते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो वो फिर आपकी भी नहीं करेगा। तो बहुत सही लगा मुझे, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इन अरुणाचल प्रदेश की जो गर्ल्स हैं उनके थिंकिंग को जान के। और मेरा अभी तो फ़िलहाल कोई अरुणाचल प्रदेश में कोई फ्रेंड नहीं है, पर मैं चाहूँगा कोई ना कोई दोस्त हो मेरा वहाँ। मुझे बड़ा सही लगा उनकी जो सोच है ना, और बड़ी मतलब जो है प्रोडक्टिव सी सोच है उनकी, और मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि भाई मुझे वो जो है छप्पे टाइप के बॉयस चाहिए, है ना। सबकी जो सोच है वो बहुत प्रोडक्टिव है और बहुत इम्प्रेस हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी अरुणाचली बॉयस पे। तो अगर कोई अरुणाचल की गर्ल ये वीडियो देख रही है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, आपको भी थोड़े से टिप्स मिल जाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश के बॉयज़ को जो है किस तरह की लड़कियाँ जो पसंद आती है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, सेफ रहिए और कोविड की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। बाय बाय।